पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल, मगर पंजाब असेंबली में कायदे हिजबे इख्तलाफ का तकरर ना हो सका। नोटिफिकेशन रोकने पर ख्वाजा इमरान नजीर की क्यादत में 7 रुकनी वफद की कायम मुकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात। लीगी वफद ने असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से दस्तखतों के मामले पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने इन्हें मामले के हल की यकीन दहानी करवाई। असेंबली अहाते में ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि कायदे हिजबे इख्तलाफ के नोटिफिकेशन को जान बूझ कर तूल दिया जा रहा है। ये तमाम मैं समझता हूँ हीले बहाने हैं, और ऐसे हीले बहाने जो हैं वो किसी सूरत भी हाउस के चलने के लिए मुनासिब नहीं है। और अगर ये रवैया अख्तियार किया जाएगा तो फिर माशाल्लाह ये कोई 30-35 लोगों की अपोजिशन नहीं है। तमाम तर आपने काम करके देख लिए, अपनी ख्वाहिशात जो है वो उनका इजहार करके देख लिया, फिर भी अल्लाह के फजल से ओपोजिशन डट कर खड़ी है। ख्वाजा सलमान रफीक ने DPO पाक पतन रिजवान गोंदल के मामले पर वजीर अला पंजाब से वजाहत देने का मुतालबा किया। वजीर अला पंजाब सरार उस्मान बुजदार साहब इस बात की वजाहत दें कि उनकी मौजूदगी में पुलिस के जी नफसरान की बेइज्जती की गई है, उसकी उनको वजाहत पेश करनी चाहिए, अभी तक वो इस पे खामोश हैं। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अगर कायदे हिजबे इख्तलाफ के नोटिफिकेशन के मामले को तूल दिया गया तो असेंबली में दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज।